दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है जो भी लोग मेटा फ्यूचर में काम कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जो खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि मेटा फ्यूचर में जो सुपर वोट के नाम से जो टूल्स आने वाला था फुल्ली ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करने के लिए, वो टूल्स आपका लाइव हो चुका है। इसके अलावा एक और खुशखबरी है कि सुपर वोट में जो आपका $3,000 से सुपर वोट स्टार्ट हो रहा था, वो अभी आप $500 के फंड पर भी स्टार्ट कर सकते हो। तो सुपर बोट स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले अपने मेटा फ्यूचर में क्या क्या करना पड़ेगा एंड हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आप सभी लोग ये वीडियो अपनी टीम को शेयर कर दें, जिससे कि वो सभी लोग भी अपने आप से खुद से सुपर बोट स्टार्ट कर पाएँ एंड उसके आगे क्या करना है क्या नहीं करना है उन चीज़ों का भी वो ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एक आईडी को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपको इस आईडी में सुपर बोट स्टार्ट करके दिखाऊंगा। तो इस आईडी में टोटल हमारा रजिस्ट्रेशन एंड यहाँ पे एपीआई बाइंडिंग वगैरह सब कुछ हो रखा है। एपीआई बाइंड करने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, ऊपर जो यहाँ पे तीन लाइंस हैं, ये जो तीन लाइंस हैं, इन तीन लाइंस पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये मेनू का ऑप्शन निकल आया। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले इसमें हैज मोड इनेबल करना है, ठीक है। हैज मोड हमें इनेबल करना है, सेफ मोड इनेबल नहीं करना है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद हमें अपने एसेट बैलेंस में भी कम से कम $50 $500 का जिनका अकाउंट है, वो कम से कम $50 से जैसे ही उनका एसेट बैलेंस कम होता है वो अपने फंड को इंक्रीज कर लें। अगर कोशिश करें कि वो शुरुआत में ही अपना $100, $150, $200 डाल के रखें तो और अच्छा है, आपको बार बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके अलावा जिनका अकाउंट $2,000, $3,000 से जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो अपने एसेट बैलेंस में कम से कम जब भी उनका $100 से बैलेंस कम होता है तो वो $100 के ऊपर रखें अपना बैलेंस, जिससे कि कभी भी रात में अगर या दिन में मार्केट कभी भी डंप या पंप करती है, ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, तो सुपर बोट में आपका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा निकलेगा। एंड आपका अगर प्रॉफिट ज़्यादा बनेगा तो आपका फ्यूल भी जल्दी ख़त्म होगा। तो फ्यूल आपका ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका फ्यूल ख़त्म हो गया तो आपका ट्रेड बीच में ही रुक जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना हैज मोड इनेबल कर लिया। अब यहाँ पे ऑलरेडी एसेट बैलेंस हमारा पड़ा हुआ है। इसके अलावा एसेट बैलेंस तो आपका कम नहीं होना चाहिए, एंड इसके अलावा आप अपने बाइनेंस के अकाउंट में फ्यूचर वॉलेट में अगर आप $3,000 से अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं सुपर बोट पे, तो आपके बाइनेंस के अकाउंट में भी आप $100 का BNB रखो। अगर आप $100-$200 का BNB डाल के रखो, जब वो ख़त्म हो जाए BNB तो दोबारा डाल लो। BNB अगर आपके एक्सचेंज पे रहेगा बाइनेंस पे, तो आपका फीस जितना भी कटता है उसमें 10% कम कटेगा। अगर मान के चलो कि फीस हमारा एक महीने में $500 का ख़त्म हुआ, तो उसमें 10% भी अगर हमारा बचा तो $50 हमारा फीस में ही बच जाएगा। तो इसीलिए BNB रखना ज़रूरी है अपने बाइनेंस के अकाउंट में फ्यूचर वॉलेट में। अब इसके अलावा और भी दो तीन चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि आप एक टाइम पे या तो सुपर बोट में ट्रेड कर सकते हो या फिर हैज बोट में कर सकते हो। अगर आप दोनों लगाओगे तो इसमें फिर आपका सुपर बोट सही तरीके से काम नहीं करेगा या फिर आपका हैज बोट सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो या तो आप हैज बोट पे ट्रेडिंग कर लो या फिर आप सुपर बोट पे कर लो, या फिर आप इन दोनों को हटा के मैनुअल कर लो। जिनको मैनुअल करना है वो मैनुअल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि सुपर बोट अकेला, या तो आप सुपर बोट चलाओ या हैज बोट चलाओ सिर्फ, या फिर मैनुअल करो। एक साथ दो ट्रेड दो आप टूल्स पे ट्रेड नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप मैनुअल कर रहे हो तो आप सुपर बोट और हैज बोट दोनों नहीं कर सकते। अगर आप हैज बोट कर रहे हो तो सुपर बोट और मैनुअल दोनों नहीं करोगे। अगर आप सुपर बोट कर रहे हो तो हैज बोट और मैनुअल ट्रेड दोनों नहीं करोगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही हमें सुपर बोट में ट्रेड स्टार्ट करनी है। अब यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि सुपर बोट में आपका कोई भी मैनेजमेंट नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुपर बोट ही स्टार्ट करेंगे, तो सुपर बोट कैसे स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे आपको सुपर बोट लिखा दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर परमिशंस हैं, आई एग्री पर हमें क्लिक करना है। तो जिनका $500 से लेके $1,000 के बीच में फंड है, तो वो पहला पैकेज सेलेक्ट करें।
जिनका 1,000 से $3,000 के बीच में फंड है वो दूसरा पैकेज सेलेक्ट कर लें, जिनका 3,000 से $10,000 के बीच में फंड है वो तीसरा पैकेज सेलेक्ट कर लें। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका फंड है आपके बाइनेंस के अकाउंट में उसके हिसाब से आप यहाँ पे पैकेज सेलेक्ट करोगे। तो इस वाले जो अकाउंट है इसमें $626 हैं लाइव में, तो हम यहाँ पे पहला ही पैकेज सेलेक्ट करके इसको स्टार्ट बटन को हमें क्लिक करना है। तो स्टार्ट बटन को क्लिक करने के बाद हम यहां पे बैक आ जाएंगे और हमारा जो ट्रेड है वो यहां पे स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहां पे आप देखोगे कि ये अभी ओपन ऑर्डर में यहां पे दिखाई दे रहा है ट्रेड, और ये अभी यहां पे सुपर बोर्ड पे हमारा ट्रेड लग चुका है। तो आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर बाई का ट्रेड लगा हुआ है और ऑटोमेटिकली ही इसका सेल का भी ट्रेड स्टार्ट होगा। तो पूरा का पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक है, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी मैनुअल आप मैनेजमेंट आपका नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी लोग सुपर बोर्ड में स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी लोगों के लिए ये जो टूल्स है स्टार्ट हो गया है। तो बहुत सारे लोग कई दिन से वेट कर रहे थे, तो अब दोस्तों लग जाइए अपने काम पे, टीम बनाने पे, क्योंकि अब मेटा फ्यूचर में काफ़ी अच्छा तहलका आने वाला है, काफ़ी बड़ी बड़ी टीम आने वाली हैं। तो जो जितना फास्ट अपनी टीम क्रिएट कर लेगा उसका अर्निंग उतना ही फास्ट और ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जिन भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलती रहती हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।